हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट सागा। सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो क्या है ये आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हैंडमेड चॉकलेट्स बनाई थी। अभी इन्हीं चॉकलेट्स को हमें बॉक्स में डाल के हमारे प्रियजनों को भेजना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि हमें इसे गिफ्ट रैप कैसे करना है। मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप्स के डार्क चॉकलेट एंड व्हाइट चॉकलेट दोनों भी बना के ले लिए है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज बॉक्स ले लिया है, ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। सबसे पहले हमें बॉक्स को अच्छी तरीके से फोल्ड करके ले लेना है। आप इसे दोनों भी साइड से फोल्ड कर सकते हैं, अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉक्स ले रहे हैं। तो मैं इसे फोल्ड करके अच्छे से ले लूँगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने घर पे ही फिलर्स बनाए हैं, जो हमारा कोई भी मैट पेपर अगर हम दुकान से ले लेते हैं तो उसे ही बस मैंने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करके ले लिया है और उससे ये फिलर्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चॉकलेट बार ले रही हूँ। अगर आप चॉकलेट बार ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारा बिना मोल्ड वाला चॉकलेट इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बिना मोल्ड वाले चॉकलेट की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। वीडियो में दिखाए गए तरीके से हमें सारे चॉकलेट के शेप्स इसमें ऐड करने हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 3D हार्ट और छोटे छोटे चॉकलेट बार भी ऐड किए हैं। इसके भी मोल्ड्स आपको बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे दिवाली गिफ्ट बॉक्स को एक गिफ्ट लुक आने के लिए मैंने यहाँ पे बो रिबन ऐड की है, ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने घर पे ही डिज़ाइनर चॉकलेट बॉक्स की तरह अपना दिवाली गिफ्ट बॉक्स रेडी कर लिया है। सेकेंड बॉक्स में भी हमें सेम थिंग्स फ्रेंड्स ऐड करने हैं, बस थोड़े से प्रोफेशनल वे में करने हैं कि इसे थोड़ा सा दुकान वाला लुक आ जाए और सबको लगे कि ये तो दुकान से मंगाए हुए चॉकलेट है। यहाँ पे मैंने जो 3D हार्ट्स यूज़ किए हैं, ये दोनों साइड से फ्रेंड्स 3D है। अगर आप लास्ट वाली रेसिपी में देखेंगे तो मैंने 3D हार्ट्स भी दिखाए थे, बस मैंने दो हार्ट्स को एक साथ चिपका दिया है, जिससे ये दोनों साइड से 3D लग रहा है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने हनीकॉम के शेप वाला बार ऐड किया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हर एक बॉक्स में हम एक अलग अलग वैरायटी वाला चॉकलेट और अलग अलग शेप्स ऐड कर रहे हैं। सेकेंड बॉक्स भी एक बार और बहुत सारे हार्ट्स के साथ रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स भी कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने हार्ट शेप व्हाइट बार यूज किया है और उसे कॉम्प्लीमेंट्री मैंने 3D हार्ट्स जो डार्क चॉकलेट से बने हुए हैं वो यूज किए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड बॉक्स भी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फोर्थ बॉक्स की तरफ। हमारे फोर्थ बॉक्स में हम कोई भी बार चॉकलेट नहीं ऐड करने वाले हैं। अगर आपके पास बार चॉकलेट नहीं है तो छोटे छोटे चॉकलेट्स के लिए ये बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस फिलर्स की जगह हमें यहाँ पे कपकेक लाइनर्स का यूज़ करना है, ताकि हमारा जो चॉकलेट है ये अंदर के बॉक्स में ना चिपके। सारे कपकेक लाइनर्स मैंने इसमें रख दिए, बस अभी हमें इसमें हमारे छोटे चॉकलेट्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे हार्ट चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसकी जगह पे फ्लावर्स या फिर टेडी बेयर वाले भी यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ बॉक्स भी अभी रेडी हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड वन मोर टाइम सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू।